कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई की गई, क्या कुछ मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, परिवहन कार्यालय गंज ख्वाजा के पास जो स्थित है, मुखबिर की सूचना पर हमारे जनपद की सर्विलांस टीम अतुल नारायण सिंह, अभय सिंह स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक अली नगर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में छापा मारा गया, जहां से तमाम तरह के कागजात जो कूट रचित थे बरामद किए गए। चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और ये अभियुक्त अपने ही जनपद के हैं, एक मुगलसराय का है, दो अलीनगर के हैं, एक बबुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से लैपटॉप, कूट रचित रजिस्ट्रेशन पेपर, कूट रचित मोहर और इसी तरह के अन्य तमाम सामान जो है बरामद किए गए हैं और इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको न्यायालय भेजा जा रहा है अग्रिम कार्रवाई है। ये कहाँ काम करते थे और किन गिरफ्तारी की? ये आरटीओ कार्यालय के बाहर ही कार्य करते थे और जब से जो ये नया एमबी एक्ट कानून पारित हुआ है तो लोगों का डीएल बनवाना और भी परिवहन संबंधित कागजात बनवाने के लिए भीड़ ज़्यादा लगने लगी, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए लोगों से अधिक पैसा लेकर कूट रचित तरीके से लैपटॉप और रजिस्ट्रेशन पेपर के माध्यम से इनको जो है अधिक धन लाभ लेकर लोगों को ठगते थे और संयोग से आज पकड़े गए और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये जो लोग भी पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि ये लोग कार्यालय के ही बाहर काम करते थे, तो क्या विभागीय संलिप्तता की बात नहीं सामने आ रही है? उनसे भी कुछ आप लोग उससे विभाग करेंगे? की तो विभाग से पूछताछ की गई, उनके कार्यालय में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की गई है। अभी गोपनीय तरीके से इस बात की भी जाँच की जा रही है, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।